कोविड-19 की वजह से स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 तरीके जिससे आप आसानी से क्लास 10 और क्लास 12 के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि क्लास 10th का जो रिजल्ट है ऑफिशियली अभी इसका कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन फिर भी CBSE ने कहा है कि 20 जुलाई तक, यानी 16 से 20 जुलाई तक CBSE। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE क्लास 10th का जो रिजल्ट वो 15 जुलाई तक जारी होने वाला था, बट कुछ कारणों की वजह से वो 15 जुलाई को जारी नहीं हो पाया। तो अब CBSE ने दोस्तों अपने ऑफिशियल अपडेट में कहा कि CBSE क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा, यानी 16 जुलाई से लेकर दोस्तों 20 जुलाई तक CBSE का जो क्लास 10th का रिजल्ट है कभी भी जारी किया जा सकता है या जारी हो सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास 12th के अगर रिजल्ट की बात करें तो क्लास 12th का जो रिजल्ट है 31 जुलाई के तक जारी किया जाएगा, यानी CBSE की अगर बात माने तो दोस्तों CBSE ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि CBSE क्लास 12th का जो रिजल्ट है 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब यही सबसे बड़ा सवाल बच्चों का था कि सर रिजल्ट हम कैसे चेक करें क्लास 10th का, क्योंकि क्लास 10th में तो बच्चे जो है दोस्तों इससे पहले क्लास 9th में तो क्लास 9th में स्कूल में रिजल्ट आ जाता था, तो उन्हें आसानी से अपना रिजल्ट पता चल जाता था। क्योंकि दोस्तों अब भले ही CBSE क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट दोस्तों CBSE जारी करेगी। तो ऐसे में बच्चों का सवाल था कि सर हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करें। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 आसान तरीके जिससे आप सभी अपने क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यानी CBSE ने दोस्तों, सरकार ने CBSE से मिलकर 5 तरीके बताए हैं, 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कि हम कैसे CBSE क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका जिसको हम फॉलो करके अपने रिजल्ट को जान सकते हैं, देख सकते हैं, वो है सबसे पहला दोस्तों CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, सभी बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, या आप साइबर कैफे से भी जाकर CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा दोस्तों www.cbserizult.nic.in, ठीक है, ये पहली वेबसाइट। यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर CBSE का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप एक और वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो है www.cbse.gov.in, यानी ये दो दोस्तों CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक को अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर डालेंगे, वैसे ही दोस्तों आप सभी को एक होम पेज मिलेगा CBSE का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम रिजल्ट, ऐसे कुछ आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है। तो रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में दोस्तों जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है इंटर योर रोल नंबर, तो आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। इंटर स्कूल नंबर, जो भी आपका स्कूल नंबर होगा तो यहाँ पर आपको डालना होगा, क्योंकि दोस्तों इस बार ना तो आपको सेंटर पड़ा था ना ही आपके एडमिट कार्ड आया था। तो ऐसी स्थिति में अब इसके जगह आपका DOB दोस्तों आ जाएगा। तो ये चीज़ें भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना और कैप्चा फिल कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों आपके होम स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोस्तों पहला तरीका है और ऑथेंटिक तरीका, जो लगातार यानी पहले से ही CBSE इसी पे अपना रिजल्ट जारी करती थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह है। तो ऐसी स्थिति में CBSE ने बहुत से तरीके अपनाए हैं बच्चों के दिए जिसे वो अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार जब रिजल्ट आता है तो जो CBSE की वेबसाइट वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने CBSE ने एक और तरीका निकाला है रिजल्ट चेक करने का, वो है दोस्तों नंबर 2। या नंबर 2 तरीके क्या दोस्तों, वह है SMS के द्वारा। यानी दोस्तों आप SMS के माध्यम से भी अपने मोबाइल पर, अपने फ़ोन पर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। क्योंकि किसी बच्चे पर अगर फ़ोन, मान लो इंटरनेट नहीं है, तो सिंपल से वो SMS के माध्यम से भी अपने क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट चेक कर सकता है। सिंपल से आपको क्या दोस्तों लिखना है, आपको अपने फ़ोन के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहाँ पर कैपिटल में CBSE टाइप करनी है। CBSE क्लास 10th में है तो आपको CBSE 10th लिखना है। देन स्पेस देकर दोस्तों अपना रोल नंबर लिखना है, फिर स्पेस देकर दोस्तों स्कूल नंबर लिखना है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया यानी 7738298
9899 इस पर आपको सेंड कर देना है, और सेंड करने बाद कुछ ही समय पर जो है आपका रिजल्ट आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी बच्चे क्लास 12th का रिजल्ट चेक करने वाले हैं तो वो भी इसी तरह लिखेंगे CBSE 12th स्पेस देंगे दोस्तों, उसके बाद अपना रोल नंबर देंगे, फिर स्पेस देंगे दोस्तों, फिर स्कूल नंबर लिखेंगे, फिर स्पेस देकर दोस्तों 7738299899 पर क्या कर लेंगे दोस्तों मैसेज सेंड कर देंगे, और कुछ समय बाद जो है आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यह दूसरा आसान तरीका जिससे आप बिना इंटरनेट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपने अपने रिजल्ट अपने अपने फोन स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर होगा दूसरा तरीका दोस्तों। चलिए अब तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, सरकार द्वारा एक उमंग ऐप लॉन्च की गई है, तो उमंग ऐप पर भी जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये उमंग ऐप दोस्तों हर फोन में उपलब्ध है, यानी आप चाहे एंड्रॉयड में है तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आईओएस है एप्पल फ़ोन है तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो फ़ोन में भी चलेगी, यानी आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन में आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन के डाउनलोड करने के बाद आपको इसके होम पेज पर जाना है दोस्तों। और होम पेज पर जैसे आपको दिख रहा है कि ये CBSE है, CBSE पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों उस पर आपका रोल नंबर मांगेगा, क्लास रोल नंबर मांगेगा, क्लास बोलेगा, DOB स्कूल नंबर, ये भरने के बाद सीधा आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्तों। ये तीसरा तरीका है जिससे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अब चौथे तरीके की बात करते हैं दोस्त। चौथा तरीका है, मान लो दोस्तों आप SMS करने में आपको बहुत ज़्यादा झंझट होती है, आप टाइप नहीं करना चाहते, या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो ये चौथा भी तरीका है जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो है दोस्तों IVRS, यानी IVRS के थ्रू भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन से सिंपल डायल करना होगा 2430699। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 2430699 अपने आप अपने फ़ोन से आपको डायल करना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली से हैं तो इस नंबर को डायल करने से पहले दोस्तों आपको दिल्ली का जो कोड है 011 वो डालना होगा। उसके बाद ये नंबर जो है 2430069 डायल करने बाद, उसके बाद जो भी IVR आपको इंफॉर्मेशन देगी कि प्रेस 1 प्रेस 2 जो भी बताएगी दोस्तों, अगर आप क्लास 10th है तो आपको रोल नंबर पूछेगी, इसी वजह से जैसे जैसे वो बताती जाएगी दोस्तों वैसे वैसे आपको बताना है, और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद मैसेज भी आ जाएगा और फ़ोन के थ्रू भी आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे के थ्रू आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए पांचवा तरीका, बट नॉट द लास्ट, पांचवा दोस्तों तरीका वो है, सरकार द्वारा एक ऐप एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसका नाम है DigiLocker। DigiLocker के माध्यम से भी सरकार दोस्तों आप सभी तक जो है क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट पहुंचा देगी। इसमें करना हो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही जिस भी नंबर से आपका स्कूल में आपने अपना नंबर दिया है क्लास 10th में क्लास 12th में, उसी नंबर पर दोस्तों आपके एक मैसेज आएगा। मैसेज पर आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद जो भी आपका रिजल्ट है वो सॉफ्ट कॉपी में इस DigiLocker के वेबसाइट पर आपको दिखा दिया जाएगा। चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे आपका क्लास 10th का रिजल्ट हो, 12th का हो, और भी बहुत सारी मार्कशीट हैं, जो भी सारी चीज़ें दोस्तों, इस तरह से आपके आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पर सेव है। बस वो फ़ोन नंबर जो फ़ोन आपने स्कूल में अपडेट किया है उसी फ़ोन पर दोस्तों आपके फ़ोन में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता ही इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा SLC भी बहुत सारे कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5 तरीके हैं दोस्तों जिससे के जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों के पास जो है वो रोल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी एडमिशन हुआ था तो स्कूल नहीं जा पाए, रोल नंबर भी नहीं पता, उन्हें स्कूल ID भी नहीं पता, तो उन सभी बच्चों को किसी प्रकार को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन नंबर पर जो भी आपने अपडेट दिया है फ़ोन नंबर स्कूल में, वहाँ उस पर मैसेज आ जाएगा और आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, अपने क्लास टीचर से, अपने स्कूल से वो आप पता कर सकते हैं, वो आपका रोल नंबर आपको बता देंगे, स्कूल ID बता देंगे, जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जिन बच्चों के पास अभी तक रोल नंबर और स्कूल ID नहीं है। तो ये कुल 5 तरीके हैं जिसके जिससे आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को सपोर्ट करें दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।